अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम शिरे, कैसा है? हाल चाल तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन कल रात मेरे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। अल्लाह खैर करे। शिरे क्या हुआ? तुम्हें तो हमें बताने की जहमत ही नहीं की। बताना क्या चौधरी साहब, मैंने सोचा आप सरपंच हैं, आपको तो पता ही होगा। अरे यार बशीरे, मुझे पता होता तो मैं तेरे बताने से पहले ही तुम्हारे पास पहुंचा था। बोल तो सही, हुआ क्या है? कल रात को सुल्तान ने मेरे घर से बहुत नायाब जेवर चुराया है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बशीरे, ये बात तो सोचने वाली है कि हमारे गांव में चोरी हुई है। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि सुल्तान ने चोरी की है? पता लगाना तो चौधरी साहब आपका काम है, मैंने तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाना था। बशीरे अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो सुल्तान इस गांव में नहीं रह सकता, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम ज्यादा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? मुझे पता है, आप बस उसे कबूल करवाएं। हबीब फौरन सुल्तान को पेश करो। जी चौधरी जी। माजद तुम भी इसके साथ जाओ। जी चौधरी। बहारों फूल बरसाओ, मेरा चावल आया है, मेरा चावल आया है। यल्ला शुक्र है, इस बार चावल की फसल अच्छी होगी। यल्ला हैर, यल्ला हैर। सुल्तान, तुम्हें चौधरी साहब ने याद किया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। सरकार में अभी 10 मिनट में है। चलो हबीब जाके सरकार को बताते हैं कि 10 मिनट तक आ रहा है। अभी ये मैंने क्या कह दिया, सरकार में अभी आ रहा हूँ। आ गया सरकार, आ गया, आ गया सरकार। सलाम अलैकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। अरे बशीर मियां, आप भी यहाँ, कैसे हैं आप? आज मेरी खैर नहीं लगती। क्या बात है सुल्तान, आजकल तुम्हारी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं? सरकार मैंने किया क्या है? ये मैं नहीं, बशीर बताएगा आपको। चौधरी जी, सुल्तान ने मेरे घर से कल चोरी की है और बहुत ही कीमती जेवर चुरा लिया। चौधरी साहब ये झूठ बोल रहा है, इसे तो आदत है बकवास करने की, ये सबको अपने जैसा समझता है। सुल्तान, सुल्तान मैं चाहूँ तो तेरी बोटियां करके इधर फेंक दूँ, लेकिन चौधरी साहब की वजह से छोड़ रहा हूँ। रुको, अगर तुम लोगों ने खुद ही फैसला करना था तो मेरे पास क्या करने आए हो? चौधरी साहब की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ। चौधरी साहब मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। सच क्या झूठ क्या भी पता लगा लेते हैं। बशीर आप जाओ, हम अभी पता लगा लेते हैं। ठीक है चौधरी साहब, आपके कहने पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी सारी चीजें वापस चाहिए। सुल्तान अब तो सच बता दे, तुझे छोड़ देंगे। चौधरी साहब मुझे आपकी इज्जत की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। चल ठीक है फिर, तू निकल। शुक्र है जान बच गई। अभी तुम्हें पता ना अब क्या करना है? जी चौधरी साहब, अभी बुलाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? सुनाया था सुल्तान कहाँ है? मास्टर यार, बशीर ने सुल्तान पर एक चोरी का इल्जाम लगाया, तुम्हें पता लगाना हो जाएगा चौधरी साहब, अभी लीजिए। लेकिन मुझे आपके एक बंदे की जरूरत है, हबीब के साथ ले जाना होगा। ओके ले जाओ। चलो हबीब पता लगाओ। Excellent hobo way to fire bow when this joint drop better call the troops and when you hear the drop better raise the roof you already know what happens when we we link up let's go yeah I got the juice yeah I got the juice we game cool make them look like cool.
सब सीसीटीवी कैमरास जी। तो चले आप इसकी वीडियो पकड़े जी। चलो समझे चोर पकड़ा गया जी जी। चले अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम चौधरी साहब, मास्टर ब्लास्टर की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ और समझे आपका चोर आपके सामने आ चुका है। चले फिर ठीक है। अभी को बोला नहीं सुल्तान और बशीर को बुलाने के लिए? जी चौधरी जी बुला दिया बस आ रही है। आओ बशीर आओ, हमने आज तुम्हारा चोर पकड़ लिया। चौधरी साहब मुझे तो पहले ही पता था कि चोर यही है। लेकिन बशीर चोर सुल्तान नहीं है, कोई और है। तो और कौन हो सकता है? बशीर हमें पता चल चुका है, तुमने सुल्तान पर चोरी का इल्जाम लगाया। ये झूठ है, किसने बकवास की है? मास्टर ने पता लगा लिया है कि तुमने उस पर इल्जाम लगाया। चौधरी साहब हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है और सीसीटीवी फुटेज में सुल्तान हमें कहीं नजर नहीं आया। लोगों से पूछताछ करने पे हमें मालूम हुआ है कि बशीर और सुल्तान की कुछ दिन पहले बहुत सख्त लड़ाई हुई, जिसमें बशीर ने सुल्तान को धमकी दी कि किसी न किसी तरीके से मैं तुझे इस गांव से निकाल दूंगा, शायद इसी वजह से उसने ये साजिश की है। आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है ये आपको मैं तेज करके दिखा रहा हूँ, सुल्तान कहीं भी नहीं है, लिहाजा आप अब आपको समझ जाना चाहिए कि बशीर की साजिश थी और सुल्तान बेकसूर है। लिहाजा कानून के मुताबिक तुम्हें इस गांव से जाना होगा। चौधरी साहब मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, अंधा ऐसा काम नहीं होगा। कानून तो कानून है बशीर, अब तो यहाँ से चला जा। Thank you.